everyone, we are back this time because this is our second episode and the first one got really good response. So everyone is like, सबको जानना है कि एपिसोड टू में क्या होता है और एपिसोड टू होने वाला भी है क्या नहीं. तो मैंने फिर से इनको कन्विंस किया है. तो क्या लगता है आपको, आपको फर्स्ट एपिसोड का रिस्पांस कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा है और मुझे मतलब पर्सनली मतलब बहुत सारे लोगों ने कमेंट जो किए हैं वो यही कमेंट्स थे कि वी वुड लाइक टू हैव वन मोर एपिसोड या मोर एपिसोड्स ऑन दिस. तो मैंने तो सोचा नहीं था कि इतना रिस्पांस है करके. मैं थोड़ा सा गलत भी साबित हो गया कि मैं समझ रहा था कि ये सिर्फ मेरी वजह से चलेगा करके, लेकिन मुझे ये एहसास हुआ कि बक बक बिलाल के भी थोड़े बहुत फॉलोअर्स है. अगर समझ लीजिएगा मेरे 100 है तो एक दो बिलाल के भी है. As long as there is, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझे फीडबैक दिया है कि है. एंड सेकंडली मुझे जो फीडबैक मिला है कि एवरीबॉडी थॉट कि योर फादर इज कूलर देन यू, योर फादर इज फनियर देन यू, तुम्हारे जोक्स कहाँ से आते हैं हमें अब समझ में आया, और तुम बड़े कैजुअली बैठे थे उनके सामने, वो बहुत अच्छे से और सीरियसली बैठे थे. तो दिस टाइम आई विल मेक श्योर कि आई एम मेकिंग आई कॉन्टैक्ट विद यू. अच्छा हाँ. तो मैं ये जो आपको जो फीडबैक जो मिला है ना, ये बात मैं आपको अंग्रेजी में समझा रहा था कि आई एम कूलर देन यू, आई एम स्मार्टर देन यू, आई हैव मोर फॉलोवर्स, आई एम इंटेलिजेंट देन यू, लेकिन आप मानने को तैयार ही नहीं थे. सो थैंक यू फ्रेंड्स जो जिन्होंने बिलाल को अपनी हकीकत दिखाए है, समझाए है. गुड. क्योंकि बहुत लोगों का जानना था औरंगाबाद सेंट्रिक जो लोग थे ओके, उनका फीडबैक आया था कि तो हमको अब ज़्यादा पॉलिटिक्स के बारे में नहीं जानना है. वी वांट टू गेट टू नो द एमपी, यू नो, लाइक गेट टू नो, दे वांट टू नो विदाउट नोइंग दे इलेक्टेड मी. नो नो नो, आई एम श्योर दीस आर पीपल हु डोंट वोट फॉर यू. टॉपिक नंबर वन इज फैशन. ओके, आप कपड़े जो पहनते हैं एज एन एमपी एमएलए, लाइक योर पार्टी इज फेमस फॉर शेरवानी, पर आप वही पार्लियामेंट में कभी ऐसे चले जाते हैं तो कभी लाइक शर्ट एंड पैंट ट्राउजर्स पहन के. शेरवानी से परेशान थे, इंशाल्लाह हम भी शेरवानी पहनेंगे. यू कीप ट्राइंग आउट, मतलब यू विल. नहीं नहीं, मैं ट्राइंग आउट नहीं, मैं मतलब जो मैं जिसमें कंफर्टेबल रहता था. मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि 2014 में जब मैं एमएलए बना था और एक दिन हमको कहीं प्रोग्राम के अंदर जाना था, तो मैंने पैंट शर्ट पहन के अपना इनशर्ट इनशर्ट करके मैं बाहर जब निकला, तो मेरे साथ में जो लोग चलने वाले थे वो सब आपस में एक दूसरे को देखकर थोड़ा सा इस तरह से रिएक्ट कर रहे थे कि मैं समझा कुछ तो भी गलत हो गया है करके. मैं बोला क्या हुआ है करके. उन्होंने कहा कि सर थोड़ा सा मतलब अब कैसा है, आप एमएलए बन गए हैं तो आप थोड़ा वो खादी का अगर कुर्ता पैजामा अगर पहने होते तो ज़्यादा. बोले चलो. मुझे ये था कि मतलब इंसान की पहचान उसके काम से होनी चाहिए. लोगों ने ये बना दिया है कि अगर नेता है तो आपको सफ़ेद कुर्ता पहनना है और फिर सफ़ेद कुर्ते के पीछे का सारे काले धंधे करने का है. तो कई मरतबा थोड़ा सा कभी कभार कोई ऐसा हो जाता है कि लोगों को यकीन नहीं होता है. जैसे मैं एयरपोर्ट के ऊपर रहा और कोई औरंगाबाद का बंदा है किसी को दिखा रहा है कि वो जो है ना वो एमपी है औरंगाबाद के, तो लोग ऐसा ढूंढते हैं कि कहाँ पे है ये बंदा, तो हो नहीं सकता है एमपी, ये तो टी शर्ट पहना हुआ है, शर्ट पहना हुआ है करके. बट आई थिंक मतलब कपड़ों से कोई ये नहीं होता, कपड़ों से लोगों की पहचान नहीं होती. हाँ, कपड़ों से लोगों की पहचान नहीं होती है. ये जो स्टेटमेंट था ना कि लोगों को उनके कपड़ों से पहचानो, तो मैं कहूँगा नहीं, बिल्कुल नहीं पहचाना जा सकता है कपड़ों से. अगर आप गिफ्ट गिफ्ट करना चाह रहे हैं तो मैं साइज बता देता हूँ कि मुझे 42 का भी शर्ट चलता है, 44 का भी चलता है. 42 का चलता है क्योंकि अगस्त में, चूंकि अगस्त में मेरी बर्थडे आने वाली है, तो जो जो लोग मुझे गिफ्ट देना चाह रहे हैं तो उनके लिए भी मैं बता दूंगा कि आप 44 में फिट होते हैं. तो आप ज्यादा जानकारी है नहीं, आप कुछ भी पहन लेंगे. इनफैक्ट देयर आर सम शर्ट्स व्हिच लुक एब्सोल्युटली टेरिबल, बट वो पहन के निकल तो जाते हैं और उनको कोई ना कोई आदमी मिल जाता है. इनफैक्ट इट्स दिस इज व्हाट बीइंग अ भक्त इज लाइक. ओके, दयाजी कुछ भी पहन ले वो आते क्या टी शर्ट है भाई, भाई क्या शर्ट है भाई. एक कहावत है, मैं वो कहावत बताना चाह रहा हूँ कि गधे को जाफरान की फर्क क्या है करके. तो हम कुछ भी पहने भाई, हमारे हम कम्फर्टेबल अगर है तो हमारे हिसाब से हम चलेंगे. जो आप बहुत
कॉन्फिडेंस से पहन के निकलते हैं और फिर आपको चार लोग बाहर तारीफ भी कर देते हैं, तो यू हैव फाउंड योर वैलिडेशन। तो बस वही चार लोगों को खुश करने के लिए, एक सही नेता वही होता है कि वो चार लोग अगर मेरे शर्ट को देखकर खुश हो रहे हैं तो मैं वो चार लोगों के लिए वो पहनता हूँ। शेट्टी साहब ग्रेट मैन। कमिंग टू फूड, व्हाट आर योर थॉट्स ऑन फूड? मुझे कुछ भी चलता है, मतलब मैं खाने का ऐसा बहुत ज्यादा ये नहीं हूँ, सेलेक्टिव या चूजी नहीं हूँ कि इफ यू हैड टू पिक अ फेवरेट फूड, क्या है आपका फेवरेट फूड? पैनफलिया। और उसके अलावा? उसके अलावा जो भी मिल जाए, मेरी वाइफ जो है वो मिर्ची का सालन जो बनाती है, मेरे हिसाब से वो दुनिया में कोई इससे बेहतर कोई नहीं बनाता होगा, तो वो मिर्ची का सालन जो है वो बहुत पसंद आता है। या बगारे बैगन जो मेरी वाइफ बनाती है, वो बगारे बैगन बहुत अच्छा। मैं मामा से इतना अच्छा खाना बनाती हूँ, इनको बगारे बैगन याद आया। इन औरंगाबाद इफ यू हैड टू पिक अ फेवरेट रेस्टोरेंट, कोई है ऐसा जो शायद अभी एग्जिस्ट भी ना करती हो, बट अगर मेरी फेवरेट हैंगआउट अगर कोई देखा जाएंगे, जो मतलब मेरे को अगर मौका मिला आज भी, और मैं आज भी जाता हूँ, बहुत सारे लोग यकीन नहीं करते हैं, अंबा अफसरा थिएटर के सामने साबुदाना वड़ा। हाँ। ये मैं उस पीरियड से जाता हूँ जब मैं जाधव क्लासेस औरंगाबाद में ट्यूशन लेते थे औरंगपुरे में, तो मैं साइकिल के ऊपर जाता था और उस वक्त वो 2 रुपये में मिलता था, तो मेरा पूरा एक्साइटमेंट वो ट्यूशन का नहीं रहता था, वो ट्यूशन से वापस आते वक्त 2 रुपये का मैं है तो साबुदाना वड़ा खाऊंगा करके ये रहता था। वो हाथ गाड़ी है लिटरली, और उस हाथ गाड़ी के ऊपर मैं बैठ के खा रहा था, और दोपहर का वक्त था, तो मतलब लोग ऐसा जा रहे थे, ऐसा जो पैदल जा रहे थे वैसा पलट के वापस आ रहे थे कि हम जो देख रहे हैं वो सही है क्या करके, कि एक खासदार वहाँ पे बैठ के है तो दिन के टाइम के ऊपर साबुदाना वड़ा खा रहा है। तो मेरा ये है कि बी योर नेचुरल सेल्फ, और मैं समझता हूँ उससे बेहतर साबुदाना वड़ा कोई नहीं बनाता होगा, और अगर किसी ने नहीं खाया है तो वहाँ पर जाके खाइए, और ज़रूर बोलिएगा कि इम्तियाज जलील आपकी ब्रांडिंग कर रहे हैं, ताकि जब मैं दोबारा वहाँ पर जाऊँ तो एक अच्छा मैंने मौलाना आजाद कॉलेज में ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन का मतलब उसकी भी कहानी है कि मैं 11th-12th करने के बाद, मेरे फादर चूंकि यहाँ पे सिविल सर्जन थे तो वो चाहते थे कि मैं MBBS करना, लेकिन मेरे पास इतना दिमाग था नहीं, तो बोले कम से कम इंजीनियरिंग कर लो, तो मैंने इंजीनियरिंग JNEC के अंदर एडमिशन लिया। वहाँ पे जाने के बाद फिर अकाउंटिंग, इंजीनियरिंग, ड्राइंग, अप्लाइड मैकेनिक्स, ये सब मेरे लिए ग्रीक एंड लैटिन के जैसे हो गए थे, तो वो भी छोड़ दिया। वो छोड़ के फिर मैं पूना गया, पूना में फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट केटरिंग करने का सोचा कि चलिए केटरिंग करेंगे। उस वक्त उस पीरियड के अंदर वहाँ पर ड्रग्स का बहुत कल्चर था, तो डर के भाग के आ गया, क्योंकि मैं औरंगाबाद का सीधा साधा बंदा था। यहाँ पर आया तो फिर मैंने यहाँ पर मौलाना आज़ाद कॉलेज के अंदर ग्रेजुएशन किया, फिर उसके बाद मैं SB कॉलेज गया, SB कॉलेज से मैंने MCOM किया, फिर यूनिवर्सिटी गया, वहाँ पर BJ किया, MMCJ किया, तो और फिर मैं MGM गया, MGM से जाकर MBA किया मार्केटिंग के अंदर। तो मैं बाय द वे ट्रिपल पोस्ट ग्रेजुएट MBA, MCOM एंड MMCJ। तुमने जो इंसिडेंट मेरे को याद दिलाया है कि लेडीज कॉलेज के अंदर से मुझे अरेस्ट करके लेके गए थे, उस वक्त हमारे कॉलेज के मौलाना आजाद कॉलेज के प्रिंसिपल थे डॉक्टर मंजर मोहीउद्दीन सर, एक बहुत अच्छे मेरे उस्ताद थे, अभी वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मैं उनको बहुत मानता था, वो भी मुझे बहुत पसंद करते थे, बहुत गुस्से वाले थे वो। तो मैं प्रेसिडेंट था मौलाना आजाद कॉलेज स्टूडेंट काउंसिल का, तो कुछ एक कैपिटेशन फी का एक मामला आया था, किसी ने उनके खिलाफ एक फेक टीशर्स कंप्लेन कर दिया था और पुलिस उनको अरेस्ट करने वाली थी, तो उस वक्त हम बड़े जज्बाती मतलब ये थे, तो हमने यहाँ पे आज़ाद कॉलेज के अंदर पूरे स्टूडेंट्स को गैदर किए, और यहाँ पे गैदर करने के बाद हमने बहुत बड़ी एक तकरीर किए थे, वहाँ पर भाषण दिए थे कि कैसा एक प्रिंसिपल को जिसको हम अपना उस्ताद समझते हैं उनके पीछे पुलिस पड़ी हुई है करके, आप इंक्वायरी करिए, ये करिएगा करके, तो हमने बड़ा जोशीला भाषण किए, तो वो इतना अच्छा भाषण था कि वहाँ के टीचर्स ने बोले कि मौलाना आज़ाद कॉलेज का एक लेडीज़ कॉलेज भी है जो जुबली पार्क में है, लेडीज़ सेक्शन, वहाँ पर सिर्फ लेडीज़ पढ़ती है, तो वहाँ के टीचर्स। अच्छा, आपको पता ही नहीं था? नहीं पता था, मैं ऑडियंस के लिए बोल रहा हूँ। तो मैं हम वहाँ उन्होंने कहा मुझसे कि यार ऐसा करते हैं वहाँ पे भी जाके है तो हम लोग ये तुम स्पीच दो और वहाँ पे भी अपन सपोर्ट इकट्ठा करते हैं। तो हमने यहाँ पर जो मौलाना आज़ाद कॉलेज के अंदर जो भाषण दिए थे वो भाषण करके हम निकल गए और लेडीज सेक्शन चले गए, तो वो लड़कों के अंदर कॉलेज के स्टूडेंट्स के अंदर इतना जोश आ गया
हमारा भाषण सुनने के बाद कि वो लोग बाहर निकले और गाड़ियों बसेस के ऊपर पथराव करना शुरू कर डाले। तो पुलिस आ गई वहां पे, पुलिस आई और पता कर कि क्या हुआ है करके, तो पता चला कि इम्तियाज अली साहब वहां पर अपना भाषण दिए थे। तो अब हम लेडीज सेक्शन के अंदर भाषण दे रहे हैं, सामने पूरी लड़कियां खड़ी है, पूरा स्टाफ खड़ा हुआ है, पूरी लड़कियां खड़ी है और हम स्टेज के ऊपर खड़े रहकर भाषण दे रहे हैं कि कैसा हमारे प्रिंसिपल को है, तो इस तरह से अरेस्ट करने की बात हो रही है, ये है वो है करके। और हम जब देख रहे हैं वहां पे, तो ऐसे पुलिस की गाड़ी आ रही, अब हमारी नज़र स्टेज के ऊपर से पूरी पुलिस की गाड़ी के ऊपर, यार ये क्या हो गया करके। फिर पुलिस आई और उन्होंने कहा कि चलिए आप पुलिस स्टेशन चलिएगा। मैंने कहा क्या हुआ करके, तो बोले आपने भाषण दिए थे वहां पे, बच्चों ने है तो कुछ पथराव उथराव कर डाले है करके। फिर गए वहां पे, कॉलेज स्टूडेंट की लाइफ थी, लेकिन इस बार मेरा भाई खड़ा है इम्तियाज अली, मेरा वोट उसी को जाएगा। मैं हकीकत जब बयान करता हूँ ना, तो बहुत दिल से करता हूँ। मैं भाषणों के अंदर सिर्फ भाषण करना है बोल के नहीं, मैं बहुत दिल से बोलता हूँ। आपको पसंद आए ना आए, इट्स अप टू यू, लेकिन मैं मेरे दिल की बात करता हूँ। मेरे में और दूसरे लोगों में फर्क यह है कि मैं दिल की बात करता हूँ और कुछ लोग मन की बात करते हैं। मैं समझता हूँ कि दिल की बात बहुत मायने रखती है। लोग बार बार आकर जो मन की बात करते हैं, मैं उनसे कहता हूँ कि एक बार दिल की बात भी करके आप देखिएगा, उसके अंदर आप बार बार सुनते होंगे। मैंने उनका जिक्र भी नहीं किया, ये तो आप कर रहे हैं। कमिंग टू द लास्ट टॉपिक ऑफ टुडे, आपको गानों का बहुत शौक है, ठीक है, वो मैं छुपाना नहीं चाहता, क्योंकि आपको गाना, यू नो व्हाट इज हिज फेवरेट थिंग, ही लव्स द कैरियोके, ही कांट इवन प्रोनाउंस इट, बट ही लव्स इट। 10 सालों से या 15 सालों से, आई थिंक द फर्स्ट टाइम ही एवर गॉट टू नो ऑफ अ कैरियोके वाज व्हेन विनोद दुआ हैड कम टू पुणे, एंड ही टुक एवरीवन आउट फॉर डिनर, और वहां पे कैरियोके नाइट था, तो देयर ही वाज सिंगिंग एंड माय डैड वाज लाइक ये क्या है, ये कराओके क्या है ये, और फिर तब से कराओके का जोश जो है इनको। और उस वक्त से मैं चाहता था कि मेरे पास एक कैरियोके आना चाहिए करके, लेकिन मुझे अभी तक ना मेरे फैमिली वालों ने लेने दिए और ना किसी ने मुझे गिफ्ट किया है। तो अगर किसी को भी ऐसा ध्यान में आ रहा होगा कि कुछ गिफ्ट करना है, तो मुझे कैरियोके दे देना उसमें, क्योंकि मुझे गानों का शौक। इनके फोन में हमने कैरियोके का ऐप डाउनलोड किया, तो वो ऐप है तो उनको रेट करता है, ठीक है, वंस यू सिंग टू दैट, एंड इट वाज रेटिंग हिम सी एंड डी, सो ही वाज येलिंग, ही वाज लाइक, हे जानते नहीं हो मैं कौन हूं। व्हाट इज योर फेवरेट सॉन्ग? कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, बीच बीच में कहा जाता है, सॉरी ऐड टू दैट, कभी कभी मेरे दिल में खाया वो पुराना वाला, हाँ इसीलिए हमको भी वो गाना चढ़ा हुआ है क्योंकि हमने इतना सुना है। बट दैट इज योर फेवरेट सॉन्ग? एनी फेवरेट सिंगर? जगजीत सिंह, पंकज उदास, मुकेश। बट लाइक माय जनरेशन ओनली मेक्स कवर्स ऑफ द सॉन्ग, वही गाने को उठा के उसको थोड़ा जी हाँ उसको पूरा बर्बाद करके मार्केट में गाते। आई गेस दिस इज इट यार, काफी अच्छा डिस्कशन हो गया। वी शुड गेट मोर सब्सक्राइबर्स एंड आई विश यू हैव टू कॉल फॉर सब्सक्राइबर्स, क्योंकि मेरा तो कोई सुनने नहीं आ रहा, तो आपको है तो वीडियो में देख के बोलना पड़ेगा। जो भी मेरे फैंस हैं या जो भी मुझे देखकर खुश हो रहे हैं, आप यूट्यूब पे जाकर सब्सक्राइब करें। जो भी मेरे फैंस हैं वो यूट्यूब के ऊपर जाके सब्सक्राइब करिए, क्योंकि अगर ज्यादा सब्सक्राइब करेंगे तो हो सकता है वो मोटिवेटेड रहेगा तो मुझे फिर मनाने की कोशिश करेंगे कि डैडी एक बार और बैठे करके उसमें। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ वार्तालाप करें, आप लोगों को बताएं कि आपका खासदार कौन है, तो आप जाइए यूट्यूब के ऊपर सब्सक्राइब करिएगा और इसी तरह से हमारा आपका प्लान ऑफ दिस इज कि वंस द लॉकडाउन इज ओवर एंड वी हैव अ लिटिल ऑडियंस, देन वी विल गो अराउंड टू ऑल आवर अदर फ्रेंड्स एंड अदर एमपीस, अदर पॉलिटिकल लीडर्स। ना इसीलिए मुझे चिंता इसी बात की है कि लॉकडाउन के पीरियड के अंदर मैं जितना आ सकता हूँ आ जाऊँगा, वरना इसके बाद अगर इसको ज्यादा सब्सक्राइबर्स जब हो जाएंगे तो बोलेंगे डैडी छोड़ो आपका क्या है, हम किसी और को लेके आएंगे करके, तो तब मुझे निग्लेक्ट कर दिया जाएगा। तो अभी से ही आई थिंक बैरिस्टर साहब वुड बी अ ग्रेट गेस्ट। यस डेफिनेटली, मैं खुद असद भाई को कहूंगा कि असद भाई मतलब बिलाल को बहुत पसंद करते हैं और असद भाई ने कई मरतबा उसको एनकरेज किया है कि जर्नलिज्म के अंदर अच्छा करो करके, सो ही डेफिनेटली लव टू, और उसका केमिस्ट्री भी असद भाई के साथ बहुत अच्छी है, तो इट वुड बी अ ग्रेट थिंग, मैं समझता हूँ बहुत अच्छा रहेगा, एंजॉय करेंगे तुम। I'm excited if he says yes. Of course he'll say yes. Please say yes. So thank you so much. See you again. That's it.
you again. अच्छा मैं नहीं करना, मैं नहीं करना, इन्होंने कर. Don't do it like see you again. कैसे करना? No, it's okay. It's okay. Thank you very much. Thanks a lot. शुक्रिया.